और मिर्जा साहब, अपना भी ये जो स्टे ऑर्डर है ये उस वक्त लेने की कोशिश की गई है जब इंटरेस्ट रेट भी आप देखें ग्रेजुअली कम हो रहे हैं, पिछले 3 रिव्यूज़ में 5% की कमी आ चुकी है। अब ये वो टाइम है जिस वक्त प्राइवेट सेक्टर भी चाहेगा कि हम कम मार्कअप पर ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग करें, आने वाले दिनों में सिंगल डिजिट में भी जा सकता है ये इंटरेस्ट रेट, तो ये ऐसे मौके पर तो एक 22 से अब कम होके जहांगीर 15% पे आ गया है। बिल्कुल, और इस बार जो डिस्काउंट रेट पॉलिसी का जायजा है और हम मुझे जो अंदाजा है स्टूडेंट है माशियत के स्टूडेंट होते ही वो 3% तक मैक्सिमम कम हो सकता है। अच्छा, तो 12% है और फिर 12 के बाद 10 भी हो सकता है, ये सिंगल डिजिट हो गया जहां से बढ़ना शुरू हुआ था। और जितना मार्कअप कम होगा वितनी आपकी स्टॉक एक्सचेंज बेहतर परफॉर्म करेगी, वितनी सनतों में माशियत फैलेगी। अब माशियत 22% पे सुखड़ी है और उससे आपने देखा जीडीपी हमारी 2-2.5% है, अभी हमने 3.5 का वादा कर रहा है, अल्लाह करे 3.5% पहुंचे, लेकिन हमने 6% की जीडीपी पे जाना है। और उसी वक्त मुमकिन है कि जब मार्कअप कम हो, अफराते जर कम हो रहा है, लिहाजा मुझे पूरी उम्मीद है 27-28% से कम होके 7-8% पे आ गया है और मार्कअप रेट भी सिंगल डिजिट पे इंशाल्लाह बैंकों के लैंडिंग रेट होंगे। लेकिन अगर बैंकों ने जी आप कंप्लीट कर ये चीजें करी, ये गिमिक्स की कि वो जो बैंक पे पेनल्टी लगी है वो लोगों के डिपॉजिट के ऊपर पेनल्टी है और टैक्सेस लगा के वसूल कर लेंगे, तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए हमारे एक बदनुमा दाग हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।